श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कथाएं बहुत हैं और मेरा मन करता है मैं सभी कथाओं को जरा अच्छे से सुनाऊं, लेकिन समय का भी देखना पड़ता है ना। हाँ, अभी बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो अच्छे से कही जा सकती हैं, लेकिन खैर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चिरहरण की कथा आती है, जो आजकल के जो कलयुगी जीव हैं वो बात बात पे कहते हैं कन्हैया ने भी तो गोपियों के चीर चुराए थे, है ना, कन्हैया ने तो उनके हाँ चोरी करी थी, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। जानिए क्या कारण था। गोपियां नग्न अवस्था में होकर के जल के अंदर स्नान करती थी सुबह सुबह। कन्हैया ने जाकर के देख लिया, वो तो कहने लगा, देवी तुम जो जल के अंदर स्नान करती हो निर्वस्त्र होकर के, ये सही नहीं है। वरुण के देवता, जल के देवता है वरुण देव, है ना, ये दोष लगता है। और आप भी अगर नदी में या कहीं भी स्नान करने जा रहे हैं तो निर्वस्त्र होकर के स्नान ना करें, ये वरुण देवता का अपमान है। तो ग्वालियर कहती हम तो ऐसे नहाएंगे जो हो सो कर लियो। गोपियां कहती हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे, निर्वस्त्र ही स्नान करेंगे। कन्हैया कहने लगे, देख लो अभी भी समय है, मान जाओ। नहीं मानी, दो दिन हो गए, चार दिन हो गए, दस दिन हो गए। कन्हैया एक दिन सुबह सुबह आए और उनके वस्त्रों को लेकर के एक वृक्ष पर बैठ गए, पूरे वृक्ष पर उन वस्त्रों को टांग दिया। तो एक ग्वालियर कहती है, अरे देख सुबह होने को आ रही है, कच्चा नहीं मरता, कभी पूजन करना है, चलो दिन निकलने को हो रहा है। तो एक सखी जब तट पर आई, देखती है वहां वस्त्र नहीं है। अरे हमारे वस्त्रों को कौन ले गया, इधर उधर नजर घुमाई कहीं नहीं देखे। तो ऊपर की तरफ जब नजर गई तो देखा कि पूरा वृक्ष जो है रंग बिरंगा हो रखा है। अरे ये यहाँ कैसे पहुंच गए, तो देखा श्रीमान जी टांग पर टांग धर के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, कहती थी हो सो कर लियो, हमने कर लियो, जाओ हाथ जोड़ कह लेंगे, कन्हैया हमारे वस्त्रों को लौटा दो ना, हम तुमसे मना किया था ना कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है, नहीं मानती हो, आज के बाद नहीं करेंगे कन्हैया। और हमें पता है तुम स्नान करने के बाद कात्यायनी माता से क्या मांगती हो, मुझे सब पता है। आप जाकर के कहती हो कि कात्यायनी महामाये, कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्द्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आप मन के अंदर भाव लाती हो कि नंद का जो छोरा है हमें पति रूप में मिल जाए। एक बात बताऊं, इस मंत्र का, इस श्लोक का कोई मतलब है, जो लड़की कन्या है उनकी शादी नहीं हो रही, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, इसका जाप करें तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा हुआ है भागवत जी में। हमारे किसी को वर नहीं मिल रहा है, शादी में विलंबता हो रही है, तो इस मंत्र का जाप करो। तो कल रुक्मणी मंगल है, कहते हैं रुक्मणी मंगल यानी कि भगवान कृष्ण की जिस दिन शादी होती है, अगर पूरे दिन की कथा सुन ले तब भी उसको अच्छा वर मिलता है। तो कोशिश करें सब आना, घराती बन के आना, बराती बन के आना, और जो कन्या है उनको भी लाना, अपने आस पड़ोसियों को भी लेके आना, और हमारे जितने भी हैं आप सब, ये सब की कथा है। मैंने पहले भी निवेदन किया, ये मैं समझना कि ये बैठे हुए हैं या कुछ लोग ही करा, ये सब की कथा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि पीछे तक व्यवस्था कर दें। तो प्रभु ने कहा कि तुम ऐसा मांगती हो, मैंने कन्हैया आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है, हमारे वस्त्र लौटा दो। कन्हैया कहने लगे, सब आओ एक एक करके और अपने वस्त्र ले जाओ, ठीक है। कहने लगी, हम इसके सामने कितने भी वस्त्र पहन लें फिर भी निर्वस्त्र ही है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, इसके सामने तो सब निर्वस्त्र है। तो इस प्रकार से गोपियों को प्रभु ने शिक्षा दी, और इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए प्रभु ने गिरिराज जी की पूजा कराई। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुजी जरा विस्तार से बता दो ना, वैसे समय तो हाँ सवा दस का हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बताओ ना अच्छा लगेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक बार मैया यशोदा भोजन बना रही थी, पकवान बना रही थी, और कैसे बना रही थी बताऊं, डाटा मार के, डाटा जानो, नहीं ये होता है डाटा, मतलब मुंह और नाक दोनों बंद, मुंह से अगर बोलेंगी तो हो सकता है भोजन में थूक चला जाए और नाक से हो सकता है सांस चला जाए, तो दोनों को बंद करके डाटा मार के भोजन बना रही है, इतनी पवित्रता थी द्वापर में।
और कलयुग में चप्पल पहन के जाती हैं। पूछा जाए नहीं है तो फिर कानों में लटका लिया जाए। हाँ, और तो अगर कोई ब्राह्मण भी जाए तो गिलास में बोतल से करके दे देंगे, फ्रिज में से बोतल लाएंगे, गिलास लाएंगे, लो महाराज पानी पी, और खुद बोतल से कटक कटक करके पानी पी जाए, है ना, ऐसे करती है ना। आप सब में नहीं, आप सब नहीं हो, हाँ वो तो हो रही है। अभी दो दिन और कथा करनी है मुझे, कृष्ण का नहीं आला लेकिन। तो कहने का भाव क्या है, पवित्रता थी। मैया इस दूर से इशारा कर बोल नहीं रही है, बाहर जा बाहर जा, बाहर आकर करे कहा बात है, काय गोलना मचा रहा है, पर हम कहा भोजन लो, कहा बना रही है, कहा कर रही है, मैंने भोजन पकवान बना रही हूँ आज, मैंने क्यों, मैंने इंद्र भगवान की पूजा होगी, पन्ना हमको दे लाला पूजा होगी, जय जय होगी, पर सबसे बड़े जय जय तो हमें हमारी पूजा करो, हम कह दे मैंने भाग जा तू। कन्हैया को डांट करके भगाया, रोते रोते कन्हैया नंद बाबा के पास आए, कहने लगे लाला काय को रो रो है, पर मैया हमका जी भोजन ना दे रही, कह रही ये जय जय होगी बाबा, ये कौन की जय जय होगी, पर लाला तू ना जाने इंद्र भगवान है और हम इंद्र की पूजा करते हैं, मैंने उनकी पूजा करते हैं वो क्या देते हैं, मैंने कि वो हमें बारिश देते हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं फसल होती है, प्रकृति होती है, ये हरा चारा होता है, गाय खाती है, दूध होता है उससे। मैंने बाबा यूं बता, अगर कछु ग्वाले चार पांच ग्वाले अगर पूजा करें और चार पांच ना करें तो क्या इंद्र चार पांच के खेत पे बरसेगा। कन्हैया की बात सुनकर के नंद बाबा का दिमाग भी चकरा गया, लाला तू है तो 7 वर्ष को लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी भी आ गए, गर्गाचार्य जी भी आ गए और गांव के पंच भी आ गए, पंचायत हुई, तो सब कहने लगे जो लाला कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। मैया यशोदा कह रही ये जो बात कहे सही कहे भैया, ये याने मौत कही कि मैंने सपने में कालिया नाकू अपने चेला बनानी हो तो बना लियो, जाने जाकी बात सब सच निकला में। तो नंद बाबा कहते हैं तू क्या चाहता है कन्हैया, तो कन्हैया कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप गिरिराज जी का पूजन करो, गिरी पहाड़, राज पर्वतों का राजा, जो पर्वतों का राजा है वो गिरिराज है, पानी लाला उससे क्या होगा, पानी उससे उस पे चारों तरफ हरियाली है, हमारी गाय वहां से चारा ग्रहण करती हैं, उस पे वनस्पति होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, उनकी पूजा करो। तो नंद बाबा कहते हैं लाला तेरे गिरिराज जी की पूजा करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्त हैं। पहली शर्त तो जी है कि तेरे गिरिराज जी को आनो पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा, और दूसरी शर्त जी है कि हम जितने भी प्रकार के व्यंजन बनाए, चाहे एक प्रकार के बनाए, चाहे 10 प्रकार के बनाए, या 56 प्रकार के बनाए, तेरे गिरिराज जी को आकर के खानो पड़ेगो, पानो पड़ेगो। मन ठीक है, और कछु, मन तीसरी शर्त जी है अगर इंद्र नाराज है तो तेरे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, मन तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर है। फिर क्या, सभी मिलजुल करके अपना विचार विमर्श कर रही है और सब कह रही हैं मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। वीर किसे कहते हैं, भाई को, और यहाँ वीर मतलब पति, एक पत्नी के लिए उसका पति भी एक वीर होता है। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, मेरो मन ना मान रहा हूँ, यहाँ मेरा मन कर रहा है गिरिराज जी को चलूं, तो यहाँ आपका किस किस का मन कर रहा है गिरिराज जी जाने का, यही बैठे बैठे चलेंगे, क्या बात, भैया आप भी उठा लो ना, क्या बात, आइए सब चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को Yeah।
जाओ मेरे भी नहीं माने मेरा मन्यवाद।
महाराज की विराज धरण की। सभी बैठ जाओ एक बार, बाद में नचाएंगे कूदाएंगे, अभी रुक जाओ, थोड़ा पूजा पाठ कर लें। हाँ, जो वास्तविक फल है वो ले लें, फिर उसके बाद में नाच करके भी आनंद उठाएंगे। तो इस प्रकार से अभी सुन लो, एक मिनट, दो मिनट जरा बता दूं, जब आएगी कथा मैं बता दूं, अब पूजन करा दूं, दो मिनट और, एक बार सभी बैठ जाओ, जहां जगह में बैठ जाओ। बोली श्री राज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार से जब गिरिराज जी की शरण में आए और कहने लगे, लाला तेरे गिरिराज जी कहाँ हैं, पर देखना रहे, जो ये पूरे दिख रहे हैं यही गिरिराज जी हैं। अगर आप गिरिराज जी जाएं, गिरिराज जी कौन कौन गए हैं, कितने भक्त गए हैं बताना जरा, क्या बात है, आज यहीं से दर्शन करा देंगे आपको, ऐसा सोचें कि हम वहीं हैं, गिरिराज जी में ही है। मैं बता देता हूँ आपको, लगेगा साक्षात गिरिराज जी में ही बैठे हुए हैं। गिरिराज जी में जाओगे तो उनका जो विस्तार है 7 कोस में है, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 7 × 3 कितना हो गया, 21, यानी कि 21 21 किलोमीटर की परिक्रमा है श्री गिरिराज जी की। मैंने कहने लगे, भैया ये 7 कोस में होकर कितने गिरिराज जी हैं, इतने बड़े गिरिराज जी को हम स्नान कैसे कराएं, कहाँ से पानी लावें, पूजा में विधान है पवित्रीकरण करते फिर स्नान कराते, मैंने स्नान कैसे कराएं, मन सब आंख बंद करो, मैंने कर ली आंख बंद करी, प्रभु ने मन से ही गंगा प्रकट कर दी, नाम पड़ गया मानसिंह गंगा। बोली मानसिंह गंगा महारानी की जय। बोली श्री गिरिराज महाराज की जय। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे बाजे मुकुट विराज रहो,
तेरे माथे सुख से विराज रहो तेरे भले में पंथा सोने का तेरे भले में पंथा सोने का ब्रजवासियों ने तो प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और शंकर नाद दुआ बोलोगे राज महाराज की जय राजनाथ की। जोर से शंख बजाया और ग्वालवाल कहते हैं कि कन्हैया कमाल है वो भाई, हमने इतने दिन तक इंद्र की पूजा करी ना तो वहां कोई विशेष कृपा करी ना दर्शन दिए, भैया तेरे धन्य गिरिराज जी को आज एक ही बार की पूजा में आएंगे भाई। तो सब कह रहे लाला जैसो तेरों मुंह है ऐसे ही तेरे गिरिराज जी को मुंह है, अगर इनके चार हाथ की जगह दो हाथ होते सेम टू सेम तेरी कॉपी है तेरे गिरिराज जी। तो सब कह रहे हैं छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, पाग बनी पटका बन्यो लाल को भेष प्यारे गिरधर लाल की, सती दौड़ आरती ले बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भान दुलारी विजय भान दुलारी
ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, आस सदा वृंदावन सेवा के बिहारी तैयार थे गाओ, चरण कमल की स्वामी सेवा दीजे, चरण कमल की स्वामी सेवा दीजे, सेवक जान मोहे शरण में लीजे, सेवक जान मोहे शरण में लीजे, चरण छोड़ कर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।